चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि सिद्धार्थ कांबले सर सिद्धार्थ कांबले सर आए सर नमो बुद्धाय जय भीम सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय सर। इनफैक्ट मैं आज मेरे बेस्ट हाफ के साथ में बैठा हूँ। हमेशा मैं अकेला ही आता था और आज चूंकि माता रमाई का जो बात हमने सुना और माता रमाई से बहुत प्रभावित होती हुई हमें महिलाओं में महसूस हुआ कि माता रमाई का त्याग और समर्पण के बारे में जो एकदम आंसू आने वाली कहानी जो बताई गई है उस कहानी के बाद में सुधीर राज सिंह ने कहा महाराष्ट्र की बहुत तारीफ कर रहे थे कि महाराष्ट्र की ये महिलाएं महाराष्ट्र की ऐसी महिलाएं महाराष्ट्र की महिलाएं ये करती है महाराष्ट्र की महिलाएं वो करती है। तो बेशक ये बिल्कुल इसमें सच्चाई है कि महाराष्ट्र की महिलाएं जो बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई करने के लिए गए थे तब तो स्कॉलरशिप के बदौलत उनकी पढ़ाई हो पाई, लेकिन जब आधा अधूरा ज्ञान लेके यहाँ आ गए थे और यहाँ से वापस जाने की जब नौबत आई वापस जाने के समय उनके पास में पैसों की व्यवस्था नहीं थी, तो तब माता रमाई ने उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, आपने जो पैसे मेरे पास दे रखे हैं उन पैसों को उन्होंने जो एक महिलाओं की आदत होती है कि कुछ बचा के रखने का कुछ बचा के रखने का, तो इस तरह से जो पैसे उन्होंने अपने पास में जो माचिस की डिबिया होती है ना तिल्ली की उसमें पैसे बचा के रखे हुए थे तो उसमें से पैसे निकाल के उन्होंने बाबा साहब को स्पॉन्सर करके आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेजा गया। तो ये जो बाबा साहब आज हम जिनके गुणगान गा रहे हैं तो बाबा साहब को आगे बढ़ाने वाला समाज नहीं था और बाकी लोग नहीं थे तो उसमें जो पूरा का पूरा योगदान जो है वो उनकी अर्धांगिनी माता रमाई ने उनको स्पॉन्सर करके हमारे बीच पेश किया है जिसको हम महामानव बाबा साहब कहते हैं। तो ये एक कैरेक्टर माता रमाई के बारे में मुझे जोड़ने के लिए चाहता था मैं। दूसरी बात कि यहाँ महाराष्ट्र की जो तारीफ हुई है तो महाराष्ट्र की तारीफ में सावित्री माई फुले का भी नाम आता है। सावित्री माई फुले का भी सभी लोगों को मालूमात है। सावित्री बाई फुले ने ज्योतिराव फुले के साथ में मिलके क्या काम किया है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ की महिला जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बताया जाता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी बनाने वाली उनकी माता जिजाऊ, उनके माध्यम से अगर जिजाऊ नहीं होती तो शिवाजी नहीं होते। अगर शिवाजी नहीं होते तो बाबा साहब अपना संविधान बनाने के दरम्यान में जो चर्चा करते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम थी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम थी शिवाजी महाराज की जो सल्तनत थी तो शिवाजी महाराज के सल्तनत में जो न्याय और उसमें वो अष्ट प्रधान मंडलों में प्रतिनिधित्व किस किस का था तो सारे लोगों को जाति बिरादरी के अलावा वहां के लोकल लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई थी और उसके माध्यम से उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और राजा महाराज बन के उन्होंने नाम कमाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो भूमि है महाराष्ट्र की ये पूर्व में यहाँ में समन लोगों का एक नागवंशी समूह यहाँ बसा करता था और ये सारे नागवंशी लोग हैं जो महाराष्ट्र की भूमि से इधर उधर फैल गए हैं। तो इस नागवंशी भूमि को और नागवंशी की मट्टी से आए हुए सुपुतों की तो कहानी आगे तब बढ़ती है जब उनके पीछे एक स्त्री का एक माता का एक पत्नी का सहभाग ना हो तो वो महिलाओं के लिए जो प्रेरणा मिलती है नागभूमि वालों से। तो ये मैं मुझे जोड़ना चाहता था सुधीर राज सिंह की लिंक में कंटिन्यू करने के लिए, इसीलिए मैं हैंडरेस करके आपके सामने यह तथ्य रखने का कोशिश किया हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। बहन जी का परिचय भी करा दे सर। बहन जी का नाम सुवर्णा है। ठीक है भाई साहब, नमो बुद्धाय जय भीम। आपने ऐसी जानकारी दी उसके लिए साधुवाद। मैडम को भी बोलने का मौका दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो भी कहेंगी बात कहेंगी। जो नमो बुद्धाय मैम। एक्चुअली वो हमारी जो प्रेरणा है ये महिला है, जैसे क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले अपनी एक सबसे पहली आइडियल है कि उनके कारण हम महिलाओं
में एक जागृति आ गई समाज कारण हम समझा नहीं, तो स्वातंत्र पूर्व काल में जब हमने महिला देखी तो एक भी महिला को एक प्रकार का कोई वंचित थी, मतलब हर चीज से महिलाओं वंचित थी, लेकिन ये क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले का अपने देश में जन्म होने का और हमारी महिलाओं को शिक्षित करने का, इसके कारण हम जो महिला शिक्षित हो गई है, तो हमने उस हम महिलाओं को हमने हर प्रकार के इसमें महिलाओं ने उनको याद करना है कि हम किस किन के बारे में इतनी पढ़ी लिखी हुई हमारी महिलाओं भी कितने क्षेत्र में हमारी महिलाएं काम कर रही है, लेकिन आज भी महिलाओं को कोई दर्जा नहीं है, दुय्यम दर्जा ही है, पर वो दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए हम महिलाओं अगर एक साथ आएंगे तो हम सरकार को नहीं उसके बारे में हम लोग कुछ योजना पूछेंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं, वो भी हम महिला में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो हर प्रकार के प्रश्न सरकार के सामने खुले आम ये करने की उनको क्षमता होनी चाहिए, बस और मेरा यही है। हाँ वेरी गुड मैम, आपने नाम नहीं बताया अपना, बहुत बढ़िया, सुवर्णा कामले। ओके मैम, ओके। अच्छा भाई साहब का हृदय परिवर्तन हुआ और आपको भी फ्रेंड्स पे लेके आए आप 10-20 तारीख को, तो जुड़ा करो मैम कम से कम। मैम मैं बताना चाहती कि हमारी एक थैंक यू मैम संयुक्त राष्ट्र माता जयंत के समारोह के लिए, मतलब हर जो राष्ट्र माता है ना उसकी हम लोग एक 10 मार्च के दिन एक्चुअली क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले की ये होती है डेथ एनिवर्सरी, लेकिन हम लोग उसी समय सब राष्ट्र माता को याद करते हुए एक प्रोग्राम करते हैं, उसका मैं उसके संयुक्त राष्ट्र माता जय समिति कमिटी है, वो वहां पे हम लोग सारी लेडीज महिलाएं अपने कास्ट की जुड़ी हुई है और हर हम लोग ये हर बार कर कार्यक्रम तो अलग अलग जगह में 10 मार्च को अभी हमारा यही 10 मार्च को प्रोग्राम रहेगा, हम लोग अच्छे अच्छे विचार बता प्रबोधन मत विचार के लिए लोगों को मतलब अच्छे स्पीकर को बुलाते ताकि उसका विचार सुनने में हर महिला में कुछ एक प्रकार की जागरूकता, अभी हर महिला भी कर्म कांड वगैरह करती ही है अभी भी कर्म कांड छोड़ेगी नहीं महिला, तो महिला ने नहीं करना चाहिए और वो करने से क्या जीवन में अपना जीवन अच्छा होता है क्या नहीं होता है वो तो बुरा होता है, लेकिन ये महिला को समझता नहीं है, चल रहा है ना। बिल्कुल मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ बहुत अच्छा बोला, ये बहुत अच्छी जानकारी दी मैम ने, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी और सर आप आपका अपना नंबर बोल दें तो एक बार पहले होगा वैसे तो मेरा नंबर 9 आप अपना नंबर बता दें 9 टाइम काफी कोई और बहन रहेगी हो या भाई कोई पहली बार आया वो कुछ बोलना चाहते हो पहले नंबर ले लेते हैं इनका नंबर बता दीजिए आप 9-1-9-1 आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sarinam Gacchami Sangam
साधु साधु साधु।